हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा संचय पाठ 6 सुबह। इस पाठ में एक कविता लिखी है और इस कविता को श्री प्रसाद जी ने लिखा है। इस कविता के माध्यम से आज हम सुबह की सुंदर बातों को जानेंगे। आइए इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। चिड़ियां गाती हैं मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। यह प्रातः की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है। कविता की इन पंक्तियों का मतलब है कि जब सुबह सुबह सूरज की किरणें धरती पर आती हैं, तब सारे फूल फिर से खिल जाते हैं और जितना भी अंधेरा होता है वो सब चला जाता है और पूरा जग सुंदर हो जाता है, क्योंकि पूरी धरती पर सूरज की रोशनी हो जाती है। और चिड़ियाँ सुबह सुबह गाती हैं आपस में मिलजुल करके, और उनके मीठे स्वर सबको सुनाई देते हैं। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा भी चलती है जो बहुत अच्छी लगती है और बहुत सुंदर भी लगती है। जैसे आपने तेज़ घोड़ा दौड़ते हुए देखा होगा, ठीक वैसे ही सुबह तेज़ तेज़ ठंडी हवा भी चलती है और वो हमको बहुत अच्छी लगती है। इतनी सुंदर बातें सुबह की हैं जो हमें सुख पहुंचाती हैं, और इस धरती पर रहने का सुख भी अलबेला है, यानी कि हमारे मन को खुश करने वाला सुख हमें मिलता है। धरती का सुख बहुत सुंदर है। कविता की आगे की पंक्तियों में लिखा है, नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी, खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको, मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। कविता की इन पंक्तियों का अर्थ है, सुबह जब हम उठते हैं तो हमें नई ताजगी मिलती है, और हर दिन हम बहुत सारे काम करते हैं तो सबकी अलग अलग हर रोज़ की एक कहानी होती है। हमें रोज़ सुबह उठने से नया जोश मिलता है और हमारा सारा आलस सारी नींद जल्दी से चली जाती है, और हमें अपना काम बहुत अच्छा लगता है और हम अपने सारे कामों को बहुत अच्छी तरीके से पूरे दिन करते हैं। और उन लोगों को सुबह बहुत अच्छी लगती है जिनको मेहनत करना अच्छा लगता है, क्योंकि मेहनत सबसे अच्छा गुण है। ये एक बहुत अच्छी बात है, अगर आप मेहनत करते हो तो आपको सुबह भी ज़रूर अच्छी लगेगी। लेकिन जो आलस होता है वो बहुत ही बुरा गुण होता है, क्योंकि अगर हम सुबह सुबह आलस करेंगे तो हम हर रोज़ की सुबह होते हुए देख ही नहीं पाएंगे, हम दुनिया को सुंदर होता हुआ देख ही नहीं पाएंगे। हम आलस करेंगे और सोते रहेंगे और फूलों को खिलने से हम देख ही नहीं पाएंगे, ठंडी ठंडी हवाएं हम महसूस ही नहीं कर पाएंगे, नया जोश हमको मिलेगा ही नहीं, और बहुत सी ऐसी खूबसूरत बातें जो सुबह की होती हैं हम वो सारी बातें खो देंगे, क्योंकि हम तो सो रहे होते हैं, और इसीलिए हम दुनिया को भी सुंदर होता हुआ देख नहीं पाएंगे क्योंकि हम तो सुबह उठे ही नहीं। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए ताकि हमें नया जोश मिले, और जब हमें नया जोश मिलेगा तो पूरे दिन हम अपने पूरे दिन के सारे कामों को अच्छे से कर पाएंगे और हमारा मन भी खुश रहेगा, और जो कुछ भी हम करेंगे उसमें हम सफलता पाएंगे। पूरी कविता पढ़ने के बाद श्री प्रसाद जी हमको यह सिखाना चाहते हैं कि सुबह सबसे सुंदर होती है, हमें रोज़ सुबह उठना चाहिए जल्दी और उस नए जोश को पाना चाहिए ताकि हमारा मन हमारा दिल दोनों खुश हो जाएं और हम अपने कामों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएं।
और फूलों को खिलता हुआ देखें, ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस करें, ताकि हम पूरे दिन अपने कामों को अच्छी तरीके से कर पाएं। और जब हम अच्छे तरीके से अपने कामों को करेंगे तो हम ज़रूर सफल होंगे। और जो आलस होता है वो एक दुर्गुण होता है, यानी कि एक बुरा गुण होता है। हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस करने से हम कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। आलस बुरी चीज़ है, इसलिए उससे हमें दूर रहना चाहिए। और रोज़ सुबह उठ करके अपने मन को खुश करके पूरे दिन अच्छे अच्छे कामों को करना चाहिए।